वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है एवरेज इनकम, जिसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने इसका इस्तेमाल जो था वो कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस थी उनको कंपेयर करने के लिए किया था, और किस तरह से वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रेंड दिया था जिसके बारे में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से एक जो कंट्री है वो रिच कैटेगरी वाली कंट्री में आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस डॉलर का 1,02,616 डॉलर पर कैपिटा इनकम अगर किसी कंट्री की है तो वो रिच कैटेगरी वाली कंट्रीज़ के में आता है। अगर 10,035 या उससे कम है तो वो लो कैटेगरी वाली कंट्रीज़ में आता था। तो इस हिसाब से हमने उसको कंपेयर किया था। लेकिन एवरेज इनकम या इनकम पर कैपिटा का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसका इस्तेमाल हम हर जगह पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक डिफरेंसेस को हाइड कर देता है, मीन्स छुपा देता है। इस वजह से हम इसको हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल के साथ इसको क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए जहाँ पे हम दो कंट्रीज़ की को ले रहे हैं, कंट्री ए एंड बी, अपनी फैसिलिटी के लिए हम इसमें दोनों कंट्रीज़ के 5 सिटीजन्स को लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कंट्री ए में 5 सिटीजन्स लिए हैं, तो इसमें हमने इनकी जो मंथली इनकम है उसको लिया है। जैसे कंट्री वन में, जैसे कंट्री ए में कितने सिटीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, और कंट्री बी में भी 5 सिटीजन्स को लिया है जिसमें इनकी जो मंथली इनकम है उसको दिखाया गया है। तो दोनों की एवरेज जो है वो कितनी निकली है, 10,000 10,000। मीन्स कंट्री ए की जो एवरेज इनकम है वो भी 10,000 है और कंट्री बी की भी 10,000 है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों कंट्रीज़ के हैं, इनकी जो इकोनॉमिक जो स्थिति है वो एक जैसी है। तो यही इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, क्योंकि ये डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर रही है। तो इसमें क्या आपको पता चल रहा है, जैसे कि लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली ये क्लियर हो जाएगा कि जो कंट्री ए है वो कंट्री बी से कंपेटिवली रिच है। क्यों? हालांकि दोनों की एवरेज इनकम सेम है, लेकिन जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है। जैसे कंट्री ए में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग एक जैसा है, मीन ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है। लेकिन कंट्री बी में फर्स्ट 4 सिटीजन्स की जो इनकम लो है और जो 5th सिटीजन है उसकी जो इकोनॉमिक जो इनकम है, मंथली इनकम है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस लाई कर रही हैं। तो ये सबसे इसकी बड़ी ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल जो है ख़ासकर हमारे देश में, जैसे एशियन कंट्रीज़ में इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों की जो इनकम है, जो जो अर्निंग है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस लाई करते हैं। तो इस तरह से ये एवरेज इनकम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम इसको जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंट्रीज़, जहाँ पे इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक जैसे इनकम नहीं लोगों की, वहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है इकोनॉमिक डिफरेंसेस को या डेवलपमेंट को असेस करने के लिए नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो इनकम पर कैपिटा के साथ हम दूसरे क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है विद इन द स्टेट और अदर कंट्रीज़ को भी कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे टेबल में हमने 3 स्टेट्स ली हैं, पंजाब, केरल एंड बिहार, जिसमें इनकी पर कैपिटा इनकम को दिखाया गया है, जो कि 2011 और 12 के आंकड़े के अनुसार है। इसमें आप क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि जो पंजाब की इनकम पर कैपिटा इनकम है वो केरला से ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन जो है कम है और केरला की ज़्यादा है। तो इस हिसाब से जो पंजाब की जो इनकम पर कैपिटा है वो केरला से ज़्यादा मानी जाती है और बिहार की सबसे लीस्ट है। अगर हम इस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो पंजाब, अगर हम इनकम पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो पंजाब जो है वो वेल डेवलप्ड स्टेट में आएगी इन 3 स्टेटों में, लेकिन सही मायने में केरला जो है वो एडवांस स्टेट है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स के बेस के ऊपर जो है पंजाब जो है वो लेस डेवलप्ड स्टेट माना जाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के असेस के लिए हम अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं, और इसी के बेस के ऊपर पंजाब जो है वो केरला से लेस डेवलप्ड स्टेट है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, पंजाब में इन्फिनेट मोर्टलिटी 30 है और लिटरेसी रेट 2001 में 70 थी और 2011 में 76
0.68 थी, और नेट अटेंडेंस रेशो और जो है वो 82 है। केरला में इन्फिनेट मोर्टलिटी 12 है, 91% लाइट्रेसी रेट है, और जो कि 2011 में 93.91 हो गया था, और अटेंडेंस रेशो 91 है। बिहार में 44 इन्फिनेट मोर्टलिटी रेट है, वो जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 47 लाइट्रेसी रेट है, 47%, और उसके साथ 63.82 जो है 2011 में इसका लाइट्रेसी रेट था, 72 जो है नेट अटेंडेंस रेशो है। तो इन आंकड़ों के आधार पर अगर हम कंपेयर करें तो पंजाब में इन्फिनेट मोर्टलिटी रेट जो है लगभग दो गुने से ज़्यादा है, तो इस वजह से पंजाब जो है लीस्ट कैटेगरी में आता है केरला से, और जबकि बिहार इसमें सब में सबसे नीचे है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी स्टेट को अगर हमने कंपेयर करना है तो अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ता है, और इसी वजह से ही जो केरला है वो डेवलप स्टेट में आती है बाकी की दो स्टेट्स की बजाय। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो इस तरह से हम देखते हैं, हमने देखा कि पंजाब में प्रति व्यक्ति आमदन ज़्यादा होने के बावजूद भी यह केरल के मुकाबले कम डेवलप स्टेट में आता है। इसका अर्थ यह है कि पैसा अकेले उन चीज़ों को नहीं खरीद सकता है जो आपके जीने के लिए ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए, पैसे से आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और मिलावट फ्री दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं जब तक कि आप ऐसी जगह पर नहीं जाते जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हों। इसी तरह से एक सोसाइटी में, एक विलेज में अकेला एक स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन नहीं ले सकता है जब तक कि गांव के दूसरे लोग वहाँ पे बच्चे जो है ना जाएं, और वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल ना खोले, बजाय कि आपके लिए एक प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इसी वजह से गांव में विशेषकर लड़कियाँ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं ले पाती हैं, क्योंकि इसका मेन रीज़न यह है कि वहाँ पे लोकल जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है वह फैमिलीज जो हैं वो लड़कियों को बाहर भेजने से हिचकिचाती हैं। केरला की लो इन्फिनेट मोर्टलिटी रेट है क्योंकि केरला का जो बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। इसी तरह से कुछ राज्यों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो किसी भी तरह के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित समस्याओं से से बचे रहते हैं, और जिन स्टेट्स में ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं वहाँ पे लोग अक्सर मल न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।